भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने गुजरात दौरे को लेकर कहा कि मैं 3 दिन रहकर गुजरात चुनाव में अपनी सहभागिता करने का प्रयास करूंगा और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, हम अपना योगदान दे सकें और कुछ भूमिका निभा सकें, इसलिए मुझे गुजरात चुनाव में 3 दिन का अवसर मिला है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मैं भी 3 दिन गुजरात चुनाव में अपनी सहभागिता करने का प्रयास करूंगा। गुजरात में मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। गुजरात में सरकार लगातार ऐतिहासिक काम कर रही है, वहां का संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, माइन्यूटली माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर जो गुजरात चुनाव में वहां के कार्यकर्ता काम करते हैं, वहां का नेतृत्व जो करता है, उस दिशा में फिर से लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और इस बार तो इतिहास बनने वाला है। अहमदाबाद के अंदर साबरमती में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ है कि मैं भी 3 दिन रह करके गुजरात चुनाव में अपनी सेवा करने का प्रयास करूंगा और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा कि गुजरात में जो एक ऐतिहासिक सरकारें लगातार काम कर रही है, वहां का संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है और माइन्यूटली माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर जो गुजरात चुनाव में काम वहाँ के कार्यकर्ता करते हैं, वहाँ का नेतृत्व जो करता है, उस दिशा में पुनः लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, इस बार तो और इतिहास बनने वाला है। शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काम कर रहा है, कई प्रकार के कदम बीजेपी युवा मोर्चा उठा रहा है। युवा मोर्चा 1800 वार्ड और 23,000 पंचायतों में काम कर रहा है, युवाओं को कनेक्ट करने का काम चल रहा है, कई अभियानों को लेकर युवा मोर्चा लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि खेलेगा मध्य प्रदेश 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक अलग अलग विधानसभा में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में खिलते कमल अभियान भी चलाया जाएगा। हर मंडल से 100 युवाओं को चुना जाएगा और उन्हें सिलेक्ट कर विधानसभा स्तर पर लाने का काम करेंगे। उसके बाद 12 से 13 जनवरी को युवा नीति घोषित की जाएगी। इसलिए युवा मोर्चे ने निर्णय लिया है, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो नौजवानों के लिए योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का जो प्रयास है, चाहे वो फीस माफ करके हो या नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार के अभियान सरकार के, उनके साथ उन लोगों के बीच जाना, उन्हें इस बात के लिए संपर्क का अभियान लेना और मध्य प्रदेश के अंदर खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा लेवल पर, लेकिन नीचे से लोग निकल करके आएंगे, पंचायत स्तर से उसकी शुरुआत होगी, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल गेम और जो खेले उनको लेकर के खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़े पैमाने पर दे रहा है, खेलों के प्रति जागरूकता के साथ नौजवानों का कनेक्ट बने। आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।